बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय ट्रैवल व्लॉग ट्रैवल हंट। अच्छा, आज हम जिस कंट्री की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जापान। जापान एक एशिया का बहुत ही रिच कंट्री है, उसके अंदर कल्चर, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और आपने टूरिज़म के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है वहाँ पर देखने के लिए। आपको एक बार ज़रूर जाना चाहिए जापान। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैं बिल्कुल 2019 के एंड पर दिसंबर और जैन के स्टार्ट में वहाँ पर था, न्यू ईयर मैंने उधर की थी, तो उसके बाद से आफ्टर वन मंथ जो है ग्लोबल पेंडेमिक का आ गया, आपको पता कोविड आ गया, तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। उसके बाद अब जाके 22 के अंदर इन्होंने स्टार्ट किया पाकिस्तान को। उन्होंने लास्ट टाइम जो इन्होंने ओपन किया था उसमें यह था कि आप सिर्फ ग्रुप के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं, वैसे नहीं जा सकते। तो अभी उन्होंने एक हफ्ता पहले ये भी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दी हैं, तो अब यह कि आप प्राइवेट भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप कपल हैं, फ्रेंड्स हैं, किसी भी तरीके से आप जा सकते हैं। अब आप पे वो रिस्ट्रिक्शंस भी ख़त्म हो गए हैं। अच्छा, जापान आपको ज़रूर जाना चाहिए और इसका प्रोसेस भी बहुत ईजी है। प्लस इसको वो लोग जो स्पेशली ट्रैवल हिस्ट्री भी बनाना चाहते हैं, तो जापान के जो अगर आपका वीज़ा लगा हो तो ये आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग करता है आपके वीज़ा के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ कि इसमें यह कि अगर आपने ये अप्लाई कर दिया है आपने, और बहुत ही ईजी इनका प्रोसेस है, और जस्ट वॉक इन आपने करना है एम्बेसी के अंदर, कोई अपॉइंटमेंट की टेंशन नहीं, कोई डेट नहीं है, और वन ऑफ द ये कंट्री है जो पाकिस्तानियों से वीज़ा फ़ी नहीं चार्ज करता है। अच्छा, अभी ये है कि अभी बहुत सारे लोग जापान का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन स्टिल आप वॉक इन कर सकते हैं। आपको सुबह सुबह 8 बजे पहुँचना होगा एम्बेसी के अंदर, वो फॉर्म में आप लेके जाएँ, फिल करें, उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करें, और इनका वीज़ा प्रोसेस टाइम भी बहुत जल्दी है, 10 डेज़ के अंदर आपका डिसीजन आ जाता है। समटाइम तो इवन लोगों को 5 से 6 दिन के अंदर भी आ जाता है, मुझे लास्ट टाइम 1 वीक के अंदर आ गया था, और इजीली वीज़ा मिल जाता है। अच्छा, इसमें आपको मैं डॉक्यूमेंट्स में बताता चलूँ, इसकी वो शेंजन या यूके यूएस की तरह बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। तो उसमें यह है कि आपको टैक्स रिटर्न्स भी सबमिट करने की नहीं ज़रूरत, प्लस आपको इंश्योरेंस जो होती है, अक्सर लोगों को इंश्योरेंस करवाना पड़ती है, वो भी आपको नहीं करना पड़ता। किसी भी किस्म का पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी आपने नहीं देना इसके अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि इसकी डॉक्यूमेंटेशंस क्या हैं। अगर तो इनमें 4 कैटेगरीज़ हैं कि अगर आप रिलेटिव्स को विज़िट करने जा रहे हैं, या फिर आप फ्रेंड्स को विज़िट करने जा रहे हैं, या आपका पर्पज़ बिजनेस है, या फिर आपका ट्रैवल है, तो ये 4 कैटेगरीज़ के अंदर ये हमें वीज़ा देता है जापान। तो इसके अंदर आपने क्या देखना है, अगर तो विजिटिंग रिलेटिव्स वगैरह वही सिंपल सा है कि पासपोर्ट आपका ओरिजिनल आपने लेके जाना है, उसकी जो फोटोकॉपी लेके जानी है आपने, और जो यूज्ड पेजेस हैं उन सारों की फोटोकॉपीज होनी चाहिए आपके पास। उसके अलावा 4 जो फोटोग्राफ्स चाहिए, ठीक है, वो इनका स्टैंडर्ड साइज़ है, वो आपने वाइट बैकग्राउंड के अंदर आपने फ़ोटोग्राफ्स इनको देनी है। उसके अलावा आपने CNIC की कॉपी है, CNIC की कॉपी के साथ साथ आपने अपना ट्रैवल प्लान देना। अच्छा, ट्रैवल प्लान पे बहुत ज़्यादा फोकस है व्यूअर्स, मैं आपको बताऊँ, जापान जो वन ऑफ द जो स्ट्रॉन्ग रीज़न है वीज़ा मिलने की, वो ये होता है कि आपका स्ट्रॉन्ग ट्रैवल प्लान होना चाहिए, और विद डेट, और वो है इवन कि उन्होंने अपना फॉर्मेट भी शेयर किया हुआ है उनकी, आप एम्बेसी की वेबसाइट पे जहाँ वहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, और वो उसके बारे में पूछ सकते हैं कि भाई आप इधर जा रहे हैं तो ये क्या प्लेसेस है, यही प्लेसेस आपने क्यों चूज़ किए हैं। तो जापान इस चीज़ पर ज़रा थोड़ा सा स्ट्रेस देता है, तो आप थोड़ी सी इस पर करें, ट्रैवल प्लान पर प्रॉपर बनाएँ और उसको सबमिट करें। ट्रैवल प्लान के बाद आपने फ़्लाइट की रिज़र्वेशन देनी है आपने, उसके अलावा होटल की बुकिंग है, जितने भी आप डेज़ का स्टे कर रहे हैं, उसके अलावा आपने एज सच और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके अलावा जो, हाँ, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी वो देनी है, और प्लस NOC देना आपने, वो जैसे कि मैंने लास्ट भी वीडियो में आपको बताया था कि आपने अपने एम्प्लॉयर के पास जाना, उनसे एम्प्लॉयमेंट लेटर और NOC लेना, कंपनी लेटर एट प्लस विद साइन एंड स्टैम्प, तो ये आपने डिपॉजिट करना है। और प्लस एक बहुत अच्छी चीज़ है व्यूअर्स जो जापान के लिए, वो सिर्फ आपने 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी है, वो ये नहीं है यूके या शेंजन की तरह आपने 6 मंथ की देनी है, आपने जस्ट 3 मंथ की डिपॉजिट करवानी है वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट, जो कि ऑब्वियसली साइन स्टैम्प होनी चाहिए ब्रांच मैनेजर से। ये आपने डॉक्यूमेंट सारे कलेक्ट करने हैं, फॉर्म एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आप जब गूगल पे जाएंगे वहाँ जब लिखेंगे एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान, वहाँ पे वीज़ा के सेक्शन के अंडर ये फॉर्म भी आ रहा होता है, तो आप उसे क्लिक करें, डाउनलोड करें, फिल करें, नहायत ईजी फॉर्म है,
ये आप डॉक्यूमेंट्स हैं वॉक इन करें ले जाएं और आप वीज़ा अप्लाई कर दें और विद इन 10 डेज़ आप पर अप्लाई आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ज़रूर करना चाहिए। आजकल जापान भी बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ दे रहे हैं और उनका फोकस भी इसी पे है, क्योंकि टूरिज़्म बहुत अरसे बाद बहाल हुई है उस कंट्री की और उनका GDP के अंदर भी एक वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन टूरिज़्म से ही है। तो आजकल ये मस्ट है। बेशक आपने एक दो कंट्रीज़ भी विज़िट किए हैं तो आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए और ज़रूर देखना चाहिए। और घूमने फिरने के हिसाब से बहुत अच्छा है कि टोक्यो, क्योटो और ओसाका जो सेंट्रल जापान के अंदर आते हैं उसमें टेम्परेचर भी विंटर्स के अंदर इतना ज़्यादा नहीं होता जो साउथ साइड पे या नॉर्थ साइड पे है, तो बियरेबल है। लाइक 4 to 5 सेंटीग्रेड टू -4 तक जाता है, तो विच इज़ बियरेबल। तो मेरा ख्याल है विंटर्स के अंदर ज़रूर आपको अप्लाई करना चाहिए। बाकी अगर आपको वीडियो लगे तो अपने शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर बताते रहिएगा। थैंक यू सो मच।